भारत महिलाओं को सशक्त बनाने पर काफ़ी जोर दे रहा है, जिसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में। उसके बावजूद देखते हैं करौली जिले से 80 किलोमीटर दूर डंगरिया गांव में दलित समाज की महिलाओं के साथ ऐसा कानून लागू कर दिया है कि वह पंचों की जगह वह ब्राह्मणों के मकान के घर के सामने से चप्पल पहनकर नहीं निकलेंगी। यह नियम भी शादीशुदा महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। हिंदू समाज में ब्राह्मणों को बड़ा माना गया है। चमार, चमड़ा गांठने वाला वह मीना आदिवासी होते हैं। मैंने महिलाओं को देखा तो काफ़ी देर तक देखती रही, फिर भी गांव की महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी परंपरा बनाई हुई है और हमारी बहू जब आती हैं तो उन्हें सब प्रथम यह बता दिया जाता है कि वे ब्राह्मणों के मकान के आगे से चप्पल पहनकर नहीं निकलें। तो आप अभी अपने घर से तो चप्पल पहन के आई थी, लेकिन उधर थोड़ी सी दूर में चप्पलें क्यों उतारी थी आपने? मीनों के बैठा गए हैं, बड़े आए नहीं इनको, बहुत जनों को मुर्ता भी नहीं रखा, नहीं ये बेरवानी बेरवानी सब होता। आप बड़े घरों के आगे से चप्पल हाथ में लेके क्यों निकलती हो? बड़े घर वैसे दिख रहा, क्यों निकलती हो? बड़ो घर है जी, ऐसे उतारे चप्पल ने तो बड़ो घर है बोहरे जी को, हमारी सास उतारती आ लें जब बाहरी टम चल रहे। कुछ महिलाओं का बताना है कि हम निकल जाते हैं तो बड़े घर के लोग हमारे पुरुषों से छींटाकशी करते हैं और कहते हैं कि कैसे घर की आई है जो हमारी इज्जत नहीं करती है। मानो आप चप्पल पहन के निकल जाती हो तो वो क्या हो सकता है आपके साथ? कुछ नहीं हो, बड़े हमारी थोड़ी देर में ही काफी अच्छी दोस्त बन गई और उन्होंने फिर बताया कि हमारे साथ सभी जगह ऐसा ही होता है। पान पिया देते हैं, ऊंची से खाना वाना सौंपते हैं तो दूसरी कटोरी में सौंपते हैं, कटोरी में भी काम नहीं लेते हैं। सरकार ने कानून लागू कर रखा है कि कोई छुआछूत नहीं करेगा, फिर भी गांवों में अभी भी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति है। मैं चाहती हूं कि दलित जाति की महिलाओं पर ध्यान दिया जाए और उनको सभी समाज में समान रहने का अवसर प्रदान हो एवं छोटे बड़े का भेदभाव समाप्त हो, क्योंकि खून तो सभी का एक है। स्मिता कसेरा, इंडिया अनर्ट के लिए।